देश के बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए रूल्स तय किए ताकि हमारी जिंदगी आसान बन सके, हम चैन से रह सके, उन सबको हमारा सलाम। लेकिन क्या हमने अपने लिए कुछ नियम बनाए? अगर नहीं बनाए तो तरक्की के लिए आप बनाइए कुछ खास नियम। बात करते हैं उन्हीं रूल्स की, उन्हीं नियम की। लेकिन इससे पहले आपसे करने वाली हूँ जरूरी बात, हमारे तिरंगे की बात। तिरंगे के रंग का मतलब तो आप जानते ही हैं और बहुत सुने भी होंगे, लेकिन तिरंगे के रंग आपके जीवन में कैसे रंग भर सकते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन समझिए। सबसे पहले बात करते हैं लाइटर टोन तिरंगे के सफेद रंग की। तिरंगे का सफेद रंग प्योर और कंप्लीट कलर है। व्हाइट कलर प्योरिटी, इनोसेंस, होलनेस, कंप्लीशन का प्रतीक है। ये कलर साइकोलॉजी के मुताबिक जो है, ये कलर न्यू बिगिनिंग्स, न्यू जर्नी का एक कलर है। एक ब्लैंक कैनवस की तरह आप इस कलर को जैसा चाहे रंग से भर सकते हैं। एक और खास बात है, ये रंग है इक्वालिटी का रंग। आपको बताती हूँ, इस रंग को अगर आप इम्प्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, आप पहनते हैं तो आप में फेयरनेस, न्यूट्रल होने की क्वालिटीज और इंडिपेंडेंस आती है। ये कलर रिप्रेजेंट करता है सच्चाई को, ईमानदारी को। इसी वजह से ये कलर वेस्टर्न ब्राइड्स पहनती हैं। आपने देखा है ना, जो लोग चर्च में मैरिज करते हैं वाइट कलर पहनते हैं, क्योंकि ये रंग प्रोटेक्शन और इनकरेजमेंट का भी रंग है। इसलिए डॉक्टर भी इसी रंग का जैकेट पहनते हैं। ये रंग पॉजिटिविटी को शो करता है। अगर आप घर में इस रंग को यूज करते हैं तो इससे कई फायदे होते हैं। ये रंग आपका मन शांत रखता है, घर में भी शांति का वातावरण बना रहता है, घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी इस कलर से कोसों दूर जाती है। इसलिए आपको व्हाइट कलर ज्यादा पहनना चाहिए, जिससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। तिरंगे का हरा रंग, हरा रंग है फेथ, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी का। साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये कलर हार्ट और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाए रखता है। हरा रंग ग्रोथ का कलर है, रिन्यूअल, रीबर्थ का कलर होता है। ये कलर हमारी एनर्जी को रिन्यू करता है, बार बार रीजनरेट करता है, रीस्टोर करता है। ये कलर डिप्रेशन से आपको दूर रखता है। इमोशनली पॉजिटिव कलर होता है, जो हमारे अंदर प्यार की भावना जगाता है। ग्रीन कलर फ्रेंडली होता है, जो कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। इसी तरह ग्रीन कलर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ग्रीन कलर ज्यादा पहनते हैं, अपने घर में यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यूज करते हैं, तो बीमारियां नहीं आती हैं। और ग्रीन कलर ज्यादा पहनने से आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है, तो जब बिजनेस नेगोशिएशंस पे जाएं तो हरा रुमाल साथ रखकर जाएं। अब बात करते हैं तीसरे कलर की, जो है केसरिया रंग। ये कलर अग्नि का रंग होता है, यानी कि आग का कलर होता है। इस कलर को भगवा, गेरुआ, केसरिया इस तरह से कहा जाता है। ये कलर हमारे अंदर एक तेज, एक एनर्जी भरता है। हिंदुओं में ये कलर अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी का माना जाता है। इस कलर के कपड़े पहनने से आपका मन शांत होता है, प्रभु की राग में लगता है। और इस कलर की ये भी खासियत है कि ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को पैदा करता है। केसरिया रंग का फायदा उठाने के लिए आप हफ्ते में एक दिन इस कलर के कपड़े जरूर पहने। ये कलर एकता का पाठ भी पढ़ाता है। तिरंगे के ये तीनों रंग एकता, भाईचारा, शांति में रहना सिखाते हैं। झंडे में सफेद रंग होता है बैलेंसिंग कलर। इस तरह सफेद रंग हमारे धर्म में, समुदाय में बैलेंस बिहेवियर को बताता है। हरा रंग मुस्लिम समुदाय के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हिंदुओं के लिए भी। मुस्लिम भी हरे रंग को पवित्र मानते हैं, और मजारों की चादर भी जो है वो हरे रंग की चढ़ती है। और इधर हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का श्रृंगार करते वक्त भी हरी चूड़ियां माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं। इसी तरह ये धर्म हर समुदाय को एकता सिखाता है, हमारा तिरंगा ये सिखाता है। तो इसलिए हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। भेदभाव, धर्म, इन चक्रों में नहीं पड़िए। ये चीजें आपको सिवाय नुकसान और नेगेटिविटी के कुछ नहीं देती। सब चीजों को, सब धर्मों को इक्वालिटी से देखिए, इक्वालिटी से मानिए, सब में एक ही बात है। देखिए ना, केसरिया रंग जो है वो सिख धर्म में भी यूज होता है। निशान साहिब, जिसकी इतनी मानता है, उसका कलर भी ऑरेंज कलर है। तो बुद्ध धर्म में, सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में आप इन कलर्स का रिफ्लुएंस देखेंगे, इन कलर का इन्फ्लुएंस देखेंगे। हिंदू धर्म में भी केसरिया रंग के आप कपड़े देख सकते हैं, साधु संतों ने लपेटे होते हैं। हनुमान जी का भी तो रंग केसरिया है।
केसरिया रंग की सिख धर्म में लोग पगड़ी पहनते हैं। और तो और भगवान बुद्ध भी केसरिया रंग के कपड़े पहनते थे। इसी तरह केसरिया रंग हमें एकता सिखाता है, हमें एक साथ बांधना सिखाता है।